बुधवार को सोनीपत नगर निगम मेयर कार्यालय में वित्त एवं अनुबंध कमेटी की बैठक मेयर निखिल मदान की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए मेयर निखिल मदान ने कहा कि निगम अधिकारी विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की कोताही न बरते, साथ ही उन्होंने अधिकारियों को लंबित रहे विकास कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए। आज नगर निगम के अंदर 10वीं फाइनेंस कमेटी के मीटिंग के अंदर लगभग हमने 9 करोड़ के विकास कार्यों पर मोहर लगाई है, जिसके अंदर सीसी से गलियां पक्की करनी या इंटरलॉकिंग टाइल से कुछ एक काम इसके अंदर हमारे नंदीशाला के हैं, और साथ में जो रख रखाव के काम हैं जिस तरीके सीसीटीवी कैमरे के और स्ट्रीट लाइट के, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको नगर निगम क्षेत्र में पूरा करना है। उसके लिए आज ये 9 करोड़ की हमने जो आज बजट पास किया है, मैं समझता हूँ बहुत जल्दी ये कार्य विकास कार्य चालू होंगे और शहर में जहाँ पर हमारे ब्लैक स्पॉट्स हैं वो दूर भी होंगे, और जो सीसीटीवी कैमरे बंद पड़े हैं उनको भी वापस चालू कराया जाएगा, और जितने भी हमारे नगर निगम के अधिकारी हैं उनको स्ट्रिक्ट निर्देश दिए गए हैं कि जल्दी से जल्दी इन विकास कार्यों को चालू करवाएं और कोई भी लापरवाही ना बरतें इसके।